देख सकते किस तरह से वो उस पे भी अटैक भी करने को जाएगा इस तरह से। आनंद चिट्टी अभी यहाँ पर नोट कर रहे हैं क्योंकि उनको कंफर्म है भी सांप मिलेगा करके। पूरा कन्नड़ गांव आता है और देख सकते हैं इस तरह से हम नोट भी लिख के लेते हैं। और अभी तक 15,470 और 15,471 सांप जैसे कन्नड़ में लिख रहे हैं। तो ओनर कौन है आप? गोपाल बड़गेर। मरकट्टी करके गांव है, मेरे गांव से तकरीबन 25 किलोमीटर दूरी पर। कौन देखा सांप है? किधर था पहले आप के ऐसा आके इसमें बैठ गया? तो जैसे वो कह रहे हैं उनको ज्यादा हिंदी समझ में नहीं आता। और ये जो टेबल और ये टीवी वगैरह दिख रहा है तो पुराना घर है, तो इस तरह से सांप कहीं पर भी रह सकते हैं। आरसीसी बिल्डिंग में सांप रहते तो सांप तो कहीं पर भी आ सकते हैं। तो उनका कहने के मुताबिक यहाँ पर सामान है, इसमें शायद देखेंगे किधर दिख रहा है। क्या इतने सारे लोग कितना भी बताना चाहे तो सांप भी डर जाता है, इस तरह से डर करने लगता है लोगों को देख के। और आपको अच्छी तरह से आवाज पहुंचे इसलिए हम लोगों को आवाज कम करने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर यह स्टंट दिखाना या हम कुछ बड़ा कर रहे ऐसा नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा सांपों को समझें और ये नेचुरली है। कुछ पकड़ा हुआ सांप, दांत निकाला हुआ सांप या किस चमत्कार से हम नहीं पकड़ रहे हैं। आप लोगों को समझे कि आपके घर में भी इस तरह से सांप हो सकते तो आप उनका किस तरह से सामना कर सकते हैं और आपको देख के भी वो कितना डर जाता है। हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। सांप तो आपके जैसे साथ जैसे व्यवहार करते हैं, आपको देख के भी डर जाते हैं। हमारा भी पाँव पड़ा तो हमें भी काट सकते हैं, किसी को दोस्त या दुश्मन। अरे यार बोलना बंद करोगे कि नहीं? तो नाग है, आपको शायद कैमरा में कितना दिख रहा है, शाम का वक्त है। लेकिन ये जो सांप है आस पड़ोस में हमारी जिंदगी निकलते, इसी ज्यादा पुराने घर जहाँ पर मैं अभी हूँ, ये घर जो है ऐसे हमारे साथ सांप ऐसी जिंदगी निकलते हैं और हमें देख के वो भी डर जाते हैं। सांप के चूहे के पीछे और कहीं पर तो जाते रहते हैं और तभी अगर उसको कोई दिखाई देता है तो वो भी डर जाते हैं और नहीं देखे अगर पाँव पड़ा तो काट सकते हैं। लगभग 5 फीट लंबा ये सांप हो सकता है। जितना मैं नजदीक जाने की कोशिश करूंगा उतना वो भी डरेगा। देखिए किस तरह से हरकत कर सकता है। ज्यादा गुस्सा आया तो अटैक करने के लिए फन निकालता है। अभी फन भी नहीं निकल रहा है। कुछ लोग तो बोलते हैं फन निकालने के बाद इसको पहचान में आ जाता है, लेकिन आप ऐसा भी नाग को पहचानने को आना चाहिए। उसके जो ये देखिए थोड़ा सा निकाला, अभी किस तरह से दिख रहा है। तो इस तरह से सांप हरकत करता रहता है। उसको ज्यादा गुस्सा आया तभी वो, अभी ग्रिप नहीं है ऊपर, उसको पता नहीं है, तो इस तरह से हरकत करता रहता है। ये तो हम बार बार बताते ही रहते हैं, लेकिन आज एक स्पेशल विषय पर भी बोलेंगे इसलिए लोगों को हम शांत कर रहे हैं। अभी मैं कैमरा हाथ में देता हूं और सांप को बाहर निकालता हूं, और भी बातें करनी है। अभी हम नजदीक जाते हैं। देखिए मैं नजदीक पहुंच गया और मैं इतना नजदीक हूँ और इस तरह से सांप को हाथ में ले रहा हूं। आइए प्लीज उसमें देखिए। इस तरह से फोन निकाल रहा है। ये सब प्रॉब्लम आते हैं, यहाँ पर बहुत भीड़ जमी है। जितना शांत लगने वाला सब उतना ज्यादा भी गुस्सेला बन रहा है। ये देखिए किस तरह से थैली ज्यादा नजदीक पहुँचती है और हिलता कुछ है तो उसको बड़ा दिखता है तो उसको खतरा लगता है। अभी मैं जो कुछ कर रहा था उसके नजदीक जाके पकड़ा, आपने देखा किस तरह से, वो तो उस वक्त कुछ शांत लग रहा था। ये सांपों के स्वभाव पर काफी कुछ डिपेंड रहता है और यही चीज उसको अभी खतरनाक लग रही है। देख सकते किस तरह से वो उस पे भी अटैक भी करने को जाएगा इस तरह से। तो अभी भागेगा भी बाद में, तो इस तरह से हरकत करता रहता है और ये आपको समझना जरूरी है। ये तो बार बार बताते ही है। एक अलग विषय पर हमें मुड़ना था लेकिन यहाँ पर ज्यादा शोर कर रहे लोग तो आवाज सुनाई नहीं देता, तो इसलिए हमें अभी इसको बंद करना पड़ेगा। लेकिन सांपों को बचाने का सफर जारी है और जानकारी देने का भी, और जानकारी से ही बचाव है, मतलब आप अवेयरनेस के लिए हम ये कोशिश करते हैं। सांप तो जिंदगी भर पकड़ते रहे, यूट्यूब के माध्यम से आपके तक आप तक पहुंचे हैं और आपने सराहा प्यार दिया इसलिए हम यहाँ तक पहुंच पाए। लगभग 4 लाख के नजदीक हम पहुंच चुके सब्सक्राइब करके, लोगों ने हमें बहुत बड़ा योगदान दिया इस काम में।
तो उम्मीद है ये भी वीडियो आपको पसंद आएगा, अपने लोगों में फैलाएगा ताकि इस तरह के सांप उसका स्वभाव और जानकर लोगों तक पहुंचे और लोगों का डर दूर करने का मिशन हम सफलता के साथ आपके सहयोग से पूरा कर सके। यहाँ पर रुकते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह हम सांपों को बचाने का सफर जारी रखेंगे। फिलहाल रुकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक कीजिए और ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन बटन है वो भी दबाएं।